से ये जो पूरा एक साल का प्रोग्राम है इसको बहुत ही माइन्यूट तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप सब लोग इसको बना रहे हैं. इसमें देश में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको नेशनल सेलिब्रेशन, जैसा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था, नेशनल सेलिब्रेशन होना चाहिए, सरकारी फंक्शन नहीं होना चाहिए. इसमें और लोगों को, मासेस को इसके ऊपर जागरूकता बनाने के लिए, एक फीलिंग ऑफ प्राइड आने के लिए, इंडियन प्राइड आने के लिए, और क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्ते. जब G20 की बात होती है तो मेरे मन में तो खैर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उभर के आती है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव था या G20 है, तो सबसे बड़ी जो बात है उसके बीच में वो जन भागीदारी की है. तो हर चीज़ में जन भागीदारी रहे तो सेंस ऑफ नेशनल प्राइड केवल कुछ मंत्रियों के कहने से या कुछ लोगों के, विभाग के अधिकारियों के पार्टिसिपेट करने से नहीं बनती. जन भागीदारी का अर्थ है कि भारत का हर नागरिक उसमें शामिल हो. मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक पिछला कार्यक्रम बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया. आज़ादी के अमृत महोत्सव में डॉटर्स डे, मतलब बेटियों का दिन जैसे सेलिब्रेशन है, तो वो पूरे देश भर में रंगोली के माध्यम से मनाई गई. तो 80 स्थानों को चुना गया जहाँ पर सार्वजनिक रंगोली हुई, विदेशों में रंगोली हुई, सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर रंगोली बनाई. और भारत की एक इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रंगोली, आप बताइए किसी और देश में बनती है क्या? और फूल से, मिट्टी से, रंग से, शीशे से, कागज से, भूसे से, जिस भी चीज़ को आप इस्तेमाल करें, तो बड़ी सस्टेनेबल डेकोरेशन है और बहुत ही क्रिएटिविटी से भरी है. और इस देश की हर महिला किसी ना किसी स्तर पर अपने घरों के अंदर रंगोली का आयोजन करती भी है. तो जन भागीदारी का सीधे तौर पर जो अर्थ है वो ये है कि हम कुछ भी करें उसमें अधिक से अधिक जो लोग हैं वो जुड़े और इस भारत देश का आम नागरिक जुड़े. यही हमारे देश की विविधता है. मीनाक्षी जी, मैंने आपको संसद में सुना है, मैंने आपको डिबेट्स में सुना है, यू एंटर विद एन ऑरा, आपकी बात में व्यंग होता है, विपक्ष पर आप टिप्पणियां करती हैं, एक वैचारिक मतभेद हो सकता है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ है, विपक्ष की आइडियोलॉजी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, लेकिन आज की तारीख में, साल के अंत में हम सब बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2014 से लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने अपनी क्या भूमिका निभाई है? और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हमने देखा है जमीन पर तो उनको काफी समर्थन मिल ही रहा है, उस पर आपका नजरिया क्या है? आप उनको विपक्ष के तौर पर एक लीडर में, क्या एक उभरता हुआ लीडर आप उनको देख रही हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत निंदा या टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका बेहतर हो सकती थी. और विपक्ष की भूमिका बेहतर इस प्रकार से हो सकती थी कि मान लीजिए जिस तरीके की, मैं एक इंसिडेंट से रिलेट करके आपको बताना चाहती हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनकी हत्या हुई, तो हम विपक्ष में थे और तब भी विपक्षी थे उनका, तो कभी उस बात को सेलिब्रेट नहीं किया, कभी उस बात के बारे में ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ. ऐसा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारा मतभेद होगा, हमारी विचारधारा अलग होगी, लेकिन जब उनके हथियारों के ऊपर कुछ व्यंग, कुछ बातें चली, तो मुझे याद है मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने कहा देखिए वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो अगर वो जिंदा रहते तो मैं 100% उनको जेल भेजने का पूरा इंतजाम करती. बफर्स में जो घोटाला आया था तो मैं उनको जेल भेजने का पूरा इंतजाम करती, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई है तो मैं उसके खिलाफ हूँ. और ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाता है या कुछ करता है, हम उसके साथ नहीं है. ये अंतर आपको समझना होगा. तो जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी ने
चीन के मामले पर टिप्पणी की, मैं उसका विरोध करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष में आपको देश के भीतर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की इजाजत है, आप जो चाहे कह सकते हैं, कर सकते हैं और उस बात को उठा सकते हैं, लेकिन जहां भारत देश की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो, भारत की राजनीति की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, भारत की जनता की बात हो, वहां हम सबको एक ही रहना होगा। इस बात के लिए मैं इनकी जो नीतियां हैं या जो इनका चलन है उसके पक्ष में नहीं हूं, और मुझे लगता है कि विपक्ष की जो नेतृत्व है वो बेहतर हो सकता है। तवांग पॉलिटिक्स की बात करें, आपने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा का बहुत निंदनीय था, हमारे जवानों के लिए एक सही टिप्पणी करना काफी जरूरी है, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस रखने के लिए, और हमारा सैक्रिफाइस जो इतने करते हैं हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, हम देशवासियों को सिक्योर करने के लिए। उसी तरफ ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल उठाया है कि हम अपनी सारी ट्रेड चाइना की तरफ से बंद क्यों नहीं कर देते। अब ये $140 बिलियन की ट्रेड है, क्या प्रैक्टिकल होगा कि इन अ फॉर्टनाइट और इन अ वीक और इन अ मंथ इट कैन बी कंप्लीटली शट ऑफ? देखिए, अगर ये मैं चाहूंगी कि ये भी कार्यक्रम जन भागीदारी के द्वारा चले, चलना जरूर चाहिए और जन भागीदारी इसमें रहनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। बहुत सारी गैर एसेंशियल्स, लाइक कुछ चीज़ें एसेंशियल्स हैं, मान लीजिए आपको वैक्सीन बनानी है और वैक्सीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो US से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, बाकी जगहों से भी आते हैं, और एक बहुत लंबे पीरियड तक इस देश की नीतियां जो हैं कमज़ोर रही, उनको हम धीरे 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 ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फार्मा इंडस्ट्री थी, चाहे खिलौने थे, चाहे अन्य इंग्रेडिएंट्स थे, तो धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। मगर क्या आमजन तय कर सकता है कि ये जो माता की चुनिया, चूड़ियाँ, राखियाँ, दिए, ऐसी जो सामान कंज्यूमेबल्स आती हैं, क्या हम ये सब छोड़ सकते हैं? ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप भारत में नहीं बना सकते, सिर्फ सस्ता या मेहनत कम करनी पड़े तो आप ट्रेडर बन के रह गए हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि मिट्टी के दिए कहीं बेहतर क्वालिटी के दिए हैं जिनको आप खरीदते नहीं हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारी डिपेंडेंस है, उसको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारी डिपेंडेंस नहीं है और हमारी खुद की काबिलियत बेहतर प्रोडक्शन की है, तो जन भागीदारी इसमें भी होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, कई ट्रेडर्स को जब हमने एमएसएमई सेक्टर को कवर किया था तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनको ज्यादा पड़ती है, और ये कहीं ना कहीं एक रीजन रहा है कि जो चाइना से सामान उनको मिलता है इसलिए वो परचेज करते हैं। बहरहाल, मैं बात करूंगी दिल्ली मैं माफी आपकी बात थोड़ा काटना चाहती हूँ, ये हमेशा सच नहीं है, आपको एक थोड़ा आलसीपन भी है। मैन्युफैक्चरिंग में मेहनत लगती है और ट्रेडिंग आसान होती है, तो आपने माल मंगाया और आपने बेच दिया, वो कहीं आसान है कि 4 कंटेनर आए, 4 निकाल दिए, 5 आए, 5 निकाल दिए, पर उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रोक्योर करना, उस पर मेहनत करना, खड़े होकर प्रोडक्शन करवाना, प्रोडक्शन के बाद मार्केट लेके जाना, वो थोड़ा मेहनत का काम है। तो टॉय इंडस्ट्री ने पिकअप किया ना, अगर खिलौनों की इंडस्ट्री पिकअप कर सकती है तो मुझे लगता है कि बाकी भी कर सकती है, और उसके लिए थोड़ा सा जन भागीदारी को, जनता को खुद से जागरूक होने की जरूरत है, और थोड़ा देशभक्ति भी प्रेरणा रहनी चाहिए। दिए के लिए तो मैं, जैसे दिवाली है, राखी है, रक्षाबंधन, ये सब मैं कहती हूँ, मैं तो अपने भाई को मौली बांध के राजी हूँ, राखी नहीं पहनाऊंगी, अगर ज्यादा ही हुआ तो एक बीच में मोती डाल के मौली बांधने में क्या जाता है जी? बिल्कुल, ऐसी सिल्क का धागा बांधने में क्या जाता है? क्यों हमको वो सब चिपकी हुई प्लास्टिक की चीजें उस पर लगी हुई चाहिए? तो और जितने भाई हैं वो भी कहेंगे मौली बांध दो दीदी, उतना काफी है या नहीं, बता दीजिए भाई जी। बिल्कुल, ऐसी सोच मुझे लगता है कि आपके जरिए उन तमाम दर्शकों को भी होगी जो इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, दिल्ली एमसीडी का रिजल्ट सामने आया है, गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनी है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस बनी। दिल्ली एमसीडी को लेकर आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या मेयर को लेकर एक कश्मकश होगी, क्योंकि अब दिल्ली एमसीडी भाजपा के पास नहीं है, क्या वो जो टसल रहता है एक स्टेट को लेकर वो देखने को मिलेगा, या आपकी सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार
दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, वो समन्वय बनाकर चलेगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि समन्वय को तो मेरे को याद है कि मैं जैसे सांसद हूं तो चारों तरफ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे पास आते हैं काम के लिए, और कई बार जैसे राजनीति में होता है कि पार्टी के कुछ लोग बैठे हैं और दूसरी पार्टी के लोग आ गए तो वो पीछे से कहेंगे कि दीदी इसका काम नहीं करके देना, ये फला पार्टी का है, डिमकी पार्टी का है। ऐसा रहता है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, एक एक वोट के लिए मेहनत की जाती है। तो फिर बाद में मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई देखिए, मेरे जब मैं चुनाव लड़ी हूं तो दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हुई है, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे कांग्रेसियों ने और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने मुझे वोट दिया है, और एक बार मैं चुन के आ गई हूं तो मुझे हर उस व्यक्ति का काम करना है जो मेरे क्षेत्र से है। और मुझे लगता है कि ये मानस जो है दूसरे लोगों का भी रहना चाहिए कि कोई भी हो, रहने वाले तो सब दिल्ली के हैं, अगर दिल्ली की समस्याओं को सुलझाना है और भले ही आप काउंसलर बने या MLA बने, आप दिल्ली की समस्याएं सुलझा के दीजिए ना, मैं भी आपको चिट्ठियां लिखूंगी कि कहाँ का काम नहीं हुआ तो आप करके दीजिए। और जो लोग अब तक 6,600 करोड़ में, 6,100 करोड़, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, और आप क्योंकि मीडिया से ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट शीला दीक्षित जी के टाइम पे 6,600 कुछ करोड़ का होता था, 6,629 या कुछ ऐसे था, वो घटाकर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वो 6,100 कुछ करोड़ का हुआ। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली का जो अपना बजट है वो शीला जी के टाइम पे 32,000 करोड़ का होता था, जो 58,900 करोड़ का हो गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो खुद क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए, और बहुत सारी केंद्र की योजनाओं को उन्होंने मुख्यमंत्रियों को सौंपा तो मुख्यमंत्रियों के बजट बढ़ गए। तो उसी में दिल्ली का 58,000 कुछ करोड़ का तकरीबन 59,000 करोड़ का बजट बना, और GST आने के बाद वो 75,800 करोड़ का बजट हुआ। तो जहां दिल्ली का खजाना बढ़ता गया, 75,800 पहुंच गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का खजाना 6,600 करोड़ से कम होकर 6,100 करोड़ हुआ। अब मैं चाहूंगी कि दिल्ली की जो सरकार है वो 6,100 करोड़ में MCD कैसे चलाएगी, वो आप सबको देखना है जी। तो मैं भी वो देखना चाहूंगी जी, और, अभी और, और अगर 6,100 करोड़ से बढ़ता है तो सोचिए कितनी अन्यायपूर्ण व्यवस्था इन्होंने क्रिएट कर रखी थी भाजपा के लिए, वो भी ध्यान रखिएगा। जो पॉलिटिकल टसल हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी के तहत, जब भी अभी आई थिंक लिकर गेट के ऊपर एक और टिप्पणी हुई है गौरव भाटिया द्वारा, उसके बारे में ऑफकोर्स वो इंटरनल टसल है, वो होती रहेगी। पर मेरा यहाँ पे आपसे बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान और उसके अनकूत कॉमेंट्स, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इंटरनेशनल हेडलाइंस ग्रैब किया था, डोमेस्टिकली हेडलाइंस ग्रैब किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी का वो अनकूत कमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, आपने इसके ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, बिफिटिंग रिस्पॉन्स इज द वन दैट यू गिवन आउटसाइड द पार्लियामेंट। बट इस समय क्या हम G20 के तहत, G20 नेशंस प्लस 43 गेस्ट नेशंस जो कि इन्वाइटेड है, एक कंसेंसस बना सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्लोबली कंडेम किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी की रणनीति है, डर्टी पॉलिटिक्स दैट इट प्लेस अगेंस्ट इंडिया एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज प्लेड इट। आई वुड से फ्रिंज एलिमेंट्स नीड टू बी केप्ट एट फ्रिंज, व्हाई मेनस्ट्रीम देम, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि 43 देश बैठ के उनकी बात करें? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मेरे को एक बात बताइए, द होल वर्ल्ड हैज केप्ट कास्ट देम असाइड, वो किनारे पे उनको मार्जिनलाइज करके दुनिया ने बिठा रखा है, और आप 43 देशों से बात करके उनको मेनस्ट्रीम करेंगे क्या? वो इस लायक है, बैठे रहने दीजिए जिस लायक है। अभी तो उनको अपनी जो बैंकरप्सी है देश की और दिमाग की, उसको सुधारते रहे, सुधरेगी तब बात करेंगे। पर या यू नो इट हैज बीन एबल टू स्नीक आउट ऑफ द FATF। हम लोग कब से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इट हैज बीन एबल टू स्नीक आउट ऑफ इट, और अब हमारे पास क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये ग्लोबल कंसेंसस बनाया जाए ताकि पाकिस्तान को आई विल
probably not answer this question completely, but I'm sure everybody is smart enough. FATF से बाहर होने लायक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो FATF से बाहर हो, मगर उनको FATF से बाहर किया गया है. So there are several streaks and several colors in diplomacy, in contours. India will continue to do its best to highlight the concerns. क्योंकि वो जो concerns हैं वो केवल भारत के नहीं है, दुनिया भर में जहां पर भी कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग आते हैं, ओसामा बिन लादेन से लेके तमाम लोग, वो सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए होते हैं. और मुझे याद है कि एक एससीओ की मीट थी कजाकिस्तान के अंदर, तो वहां पर भी there was a statement where I was representing our country, yes. and we'd actually pointed that out. हमने वो बात कही है. तो जहां इस तरीके की चीजें काउंटर टेररिज्म पे बात हो रही है या इंटरपोल में बात हो रही है या नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां भी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है वहां पर हम सबूत के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात कहते हैं. Definitely, we talk about it. Also, Meenakshi Lekhi, what I would want to know, the perspective of BJP for 2024 Lok Sabha election. I would also want to know that BJP as a party did talk a lot about the win that we saw in Gujarat. Prachand bahumat hui hai, uske aakde har din humne usse cover bhi kiya hai. Lekin isme koi do raha nahi hai ki hum Himachal ki haar ko nazarandaz nahi kar sakte hain. Hum Delhi MCD ki haar ko bhi nazarandaz nahi kar sakte hain. Aane wale saalon mein Madhya Pradesh, Chhattisgarh, राजस्थान में चुनाव है, जहां पर जो एक समय पर तीनों कांग्रेस की सरकार थी पिछले असेंबली इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ टाइम में सिंधिया के बाद बन जाती है. इन सब के बीच में यह जानना चाहती हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ऑपोजिशन को देखते हुए, थर्ड फ्रंट को देखते हुए, आपको क्या लगता है क्या मार्जिनलाइज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो मेरा यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की आप गुजरात गवर्नेंस को देखें और गुजरात में पार्टी की स्थापना को देखें और पार्टी की वर्किंग को देखें, तो एक क्लैरिटी है, एक मॉडल है कि आप 7 बार भी चुनाव जीत सकते हैं. तो जो एंटी इनकम्बेंसी या कुछ इस तरीके की बातें होती है तो वो मायने नहीं रखती. नहीं, क्या हिमाचल में जो ट्रेंड था कि जैसा उत्तराखंड में हमने देखा, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, भाजपा ने उनको वो चांस दिया, लेकिन जो ट्रेंड था हिमाचल में जैसे उत्तराखंड में हुआ वो इस बार बीजेपी नहीं पूरा कर पाई. और आपको क्या लगता है पहाड़ी राज्य में, जो राज्य जहां के मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं और उत्तराखंड क्योंकि वो भी एक पहाड़ी राज्य है, वहां पर दोबारा सरकार बनी, वहां पर हारना क्या एक इसे छोटा सा एक ड्रॉबैक समझा जाए? नहीं, ड्रॉबैक नहीं, मंथन का विषय. पार्टी के भीतर तो मंथन होता ही है तमाम चीजों पे, और हर जगह जो कारण है, जो चीजें, वो अलग होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में बात नहीं करती या अपने भीतर बात नहीं करती, वो बात करती है और तमाम जगहों पे बारीकी से जो भी चीजें रही हो उनको निवारण की तरफ भी, क्योंकि इट्स अ बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी है. Definitely. और डेमोक्रेसी में जैसे होता है वैसे यहाँ भी होता है, और उसी के तहत बहुत सारी चीजों पर मंथन किया जाता है. और कई बार आप मतलब एक मॉडल है कि आप 7 बार सरकार बना सकते हैं, और कई बार आप एक बार के बाद अगली बार नहीं बना पाए, कहीं पर आप 3 बार के बाद चौथी बार नहीं बना पाए. तो विषय तो रहे ही होंगे और उन विषयों के ऊपर जो है पार्टी जरूर संज्ञान में भी लेगी और जो करना है वो करेगी भी. और जहां तक 24 का प्रश्न है, तो 24 में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रॉमिसेस जो थे हमारे, दे मीट डिलीवरी. ये हमारा एक बड़ा संदेश मेरे हिसाब से है कि जो जो वायदा किया वो वायदे पूरे किए हमने, और जो प्रॉमिसेस, नहीं तो नॉर्मली होता है अरे कुछ आके कह के चले जाते हैं, काम नहीं होता, काम नहीं करते, नेता ऐसे ही होते हैं, वो जो एक माइंडसेट था उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया है. कि अगर कहा कि भाई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा तो सड़कों का जाल बिछाया गया,
अगर कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हुई, yes. अगर कहा गया इंक्लूजन होगा तो इंक्लूजन पे काम किया गया, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हुई तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो डायरेक्ट एक, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है, 2024 में विपक्षी नेता एकजुट होंगे जो हमने शायद 2019 में भी देखा था, यूपी के चुनाव में भी हमने देखा था, लेकिन 2024 में यू सी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, द एंटायर यू सी बंगाल, यू टॉक राजस्थान विच इज ऑलरेडी गवर्न्ड बाय कांग्रेस, डू यू थिंक, डू यू कंपेयर द ऑपोजिशन राइट नाउ टुडे विद द बीजेपी और पीएम मोदी? आई मीन every election needs to be fought the way elections need to be fought, ठीक है, जब चुनाव लड़े जाते हैं उनको चुनावों की तरह ही लड़ा जाता है, आपका विपक्ष एक हो या पचास हो, आप हल्के में किसी को नहीं लेते हैं और आप Thank बहुत सीरियस काम करते हैं. I think that was really clear with the MCD elections that took place. Although you were ended up losing it, but the kind of ministers and the members of the parliament, it looked like a national election. Absolutely. And then one must understand ki wo bhale municipality ka election hai, 10 din ka election hai, lekin Bharatiya Janata Party ka koi bhi vyakti kisi bhi pad par ho, wo pehle karyakarta hai. और बाद में कुछ और है और वो लोग उसी कार्यकर्ता के भाव से काम करते, चाहे वो पदयात्रा निकालनी है, चाहे डोर टू डोर कैंपेन करनी है, चाहे कुछ भी करना है, उसको उसी तरीके से किया जाता है. तो विपक्ष विरोध कुछ भी हो, उस विपक्ष का इलाज भी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होके करेगी. मीनाक्षी जी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के क्लोजर आ रही है, वैसे वैसे ये न्यूज में भी आ रही है, और जैसे जैसे ऐसा लगता है कि जब उसमें प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स और मैंडेट्स का, प्रिकॉशंस लेने का जब गवर्नमेंट का मैंडेट आया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ माई यात्रा, दिस इज वॉट इज टेकिंग प्लेस. हाउ डू यू लुक एट थिंग्स? वो कोई धार्मिक यात्रा पे है, वो पॉलिटिकल यात्रा पे है ना. पॉलिटिसाइजेशन किस किस चीज को कहते हैं? वो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, तो राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, वहां बैठ के आप चीन पे बयान दे रहे हैं, तो राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, तो राजनीतिक यात्रा ही है. लेकिन जो एक्शन है वो स्वास्थ्य संबंधित है, और जो एक्शन है वो चीन के हालात को देखते हुए किया गया है. कोविड से आपको भूल गया होगा, लेकिन हम सबको याद है कि किस प्रकार से भारत को जूझना पड़ा था. आप ओमिक्रॉन से लेके तमाम वेरिएंट, डेल्टा 3, पता नहीं क्या क्या, हम सब ने जूझा है. और उस समय भी इन लोगों की जितनी बेबयानी थी वो भी मुझे याद है कि आप वैक्सीन मत लगाओ, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, उसको लगाने से नपुंसक हो जाओगे. ये बातें इन्होंने कही है. हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई? तो क्या ये चीन का मॉडल कॉपी कर रहे थे, जहां पे 80 साल से ऊपर वालों को उन्होंने 30% 27% के ऊपर वैक्सीन ही नहीं लगाई है? आपको मालूम है चीन की हालत क्या है? अगेंस्ट द साइंस 80 एंड अबव जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है. यहां पर उल्टा किया, यहां पर सबसे पहले जितने बुजुर्ग थे उनको वैक्सीन लगाई और उसके बाद एज को कम करते गए. नहीं, और उसकी तारीफ मीनाक्षी जी हर जगह की है. समय की बहुत कमी है हमारे पास. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. ऑफ यू राउंड ऑफ थैंक यू मीनाक्षी लेखी जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ मंच. तालियां बंद नहीं होनी चाहिए.